यू नो दैट कि जब कोर्ट में किसी आई विटनेस या फिर कोई ऐसा जिसने क्राइम कमिट किया है उसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब उस क्वेश्चंस पूछने के तरीकों में टेक्निक होती है। जैसे कि 1974 में एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था, कार क्रैश एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें दो कार एक दूसरे के साथ स्मैश्ड हो जाती है, और यही वीडियो 5 ग्रुप को दिखाया जाता है। पहले ग्रुप को वीडियो दिखाने के बाद पूछा जाता है कि जब ये दोनों कार एक दूसरे के साथ स्मैश्ड हुई बैंग, तब ये कार्स कितनी स्पीड से जा रही होगी। दूसरे ग्रुप को वीडियो दिखाने के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये दोनों कार एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है तब ये कार्स कितनी स्पीड से जा रही होगी। तीसरे ग्रुप को क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये दोनों कार एक दूसरे पर बम्प करती है तब ये कार्स कितनी स्पीड से जा रही होगी। चौथे ग्रुप को क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये दोनों कार एक दूसरे को हिट करती है तब ये कार्स कितनी स्पीड से जा रही होगी। और लास्ट ग्रुप को क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये दोनों कार एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है तब ये कार्स कितनी स्पीड से जा रही होगी। वेल, बाई नाउ मे बी आपने आंसर गेस कर लिए होंगे। फर्स्ट ग्रुप को क्वेश्चन पूछते वक्त स्मैश बैंग ऐसे वर्ड यूज किए गए थे, तो उन लोगों ने कार की स्पीड सबसे ज्यादा बताई, 65 किलोमीटर पर आवर। दूसरा और तीसरा ग्रुप जहाँ पर कोलाइड और बम्प वर्ड यूज हुए थे उन लोगों ने अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई। चौथा ग्रुप जहाँ पर हिट वर्ड यूज हुआ था उन लोगों ने एवरेज 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई। और लास्ट ग्रुप जहाँ पर कॉन्टेक्ट वर्ड यूज हुआ था उन लोगों ने सबसे कम यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई। सो एज यू कैन सी सिर्फ क्वेश्चन नहीं पर क्वेश्चन पूछने के तरीके भी बहुत मैटर करते हैं, और इसलिए कोर्ट में आई विटनेस टेस्टिमोनी कुछ हद तक एक अनरिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस भी है, क्योंकि आई विटनेस यानी जिन लोगों ने क्राइम होते हुए देखा है उनके आंसर्स सिर्फ लॉयर के पूछे गए क्वेश्चंस नहीं पर उनके क्वेश्चंस पूछने के तरीकों पर भी मैटर करता है, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जहां पर वॉक्सवैगन ने एक यूनिक कचरे का डब्बा बनाया था, वर्ल्ड्स डीपेस्ट डस्टबिन, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कचरा डस्टबिन में फेंकने के लिए इंस्पायर करने के लिए। सो लेट्स सी इन लोगों ने क्या किया था। जनरली सारे कचरे के डब्बे में एवरेज 30 किलो का कचरा मिलता था। ये नए डस्टबिन जिसमें सिर्फ आवाज आती है कचरा डालने से, उसमें एवरेज 70 किलो का कचरा मिलने लगा, यानी 40 किलो ज्यादा पर डस्टबिन। नाउ दैट्स कॉल्ड एन इम्प्रूवमेंट। एंड अब देखो आजकल सिचुएशन ऐसा है ना कि लोग घर से बाहर निकल नहीं सकते, तो मे बी आप कभी कभी मोबाइल में गेम्स खेलते होंगे, राइट? पर उसके आपको पैसे भी मिल सकते हैं अगर आप यूज करते हो MPL ऐप, जिसको प्रमोट करते खुद विराट कोहली। MPL में आप सिर्फ क्रिकेट नहीं, कैरम, चेस, क्विज, बहुत सारी वैरायटीज की गेम खेल सकते हो। और गेम्स खेलते वक्त आप जो स्किल्स और पॉइंट्स एक्वायर करते हो उससे आप पैसे भी कमा सकते हो, और उन पैसों को आप इजीली विथड्रॉ भी कर सकते हो पेटीएम या फिर UPI के थ्रू। प्लस पॉइंट ये है कि मिनिमम विथड्रॉल अमाउंट 1 रुपए, जो आजकल कोई नहीं देता। तो अभी जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करने से यू विल ऑल्सो गेट 10 रुपीज ऑफ फ्री बोनस। सो एंजॉय प्लेइंग। And now let's move on to the next social experiment, tappers and listeners, जिसमें दो लोग एक दूसरे के सामने बैठते हैं, उनमें से टैपर को हेडफोन पहना जाता है और उसे 120 म्यूजिक 1x1 सुनाए जाते हैं। जो भी म्यूजिक बजता है उसे वो म्यूजिक की रिदम टेबल पर टैप करनी होती है ताकि लिसनर उस टैपिंग की रिदम को सुनकर म्यूजिक को गैस कर सके। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि टैपर को पहले पूछा गया था कि व्हाट यू थिंक 120 में से लिसनर कितने म्यूजिक को गैस कर पाएगा। टैपर ने कहा मे बी 40-50% songs, बट रियलिटी में लिसनर ने 120 में से सिर्फ 3 songs ही गेस किए। और ऐसा क्यों? क्योंकि लिसनर को कैसा फील हो रहा है ये गेस करना एक टैपर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपको पता है कि 18+5 23 होता है, पर किसी छोटे बच्चे को ये कैलकुलेशन करना नहीं आता,
और उसका स्टेट ऑफ माइंड आपके लिए फील करना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छा लिसनर बनो, पर एक अच्छा टैपर बनना लिसनर बनने से भी कई गुना ज्यादा टफ है। सो यप, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको और भी वीडियोस देखने तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंजॉय।